हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बाई फर्स्ट स्टडी स्टूडियो चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। वेल, शुरुआत करते हैं 5 बजे की क्लास की। काफ़ी टाइम से ये वाला सेशन थोड़ा इरेगुलर सा हो गया था। आपको भी पता है, थोड़ा सा टॉन्सल्स प्रॉब्लम हो रहे थे जिसकी वजह से सेशन मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया था। बट डोंट वरी, आपके जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं जो SSC के अंदर आए हैं, उसको होपफुली 3-4 दिन के अंदर पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी डेली बेसिस पे करंट अफेयर जो आपका 7 बजे चल रहा है, इसको मिस मत करिए। मैं फिर से बोल रही हूँ, डोंट मिस इट। आप 10 जगह पे पढ़ के आ जाओ, लेकिन वापस जब आओगे ना, यहाँ आके जब पढ़ोगे ना, तो आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि काश मैंने पहले यहीं पर पढ़ लिया होता, है ना। तो प्लीज़ चीज़ों के साथ में खिलवाड़ मत करिए, एक जगह पर रहिए, अच्छा पढ़िए, अच्छे से पेपर को सॉल्व करके आइए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज है सुपर सैटरडे, तो आपको पता ही होगा कि आज आपके 4 स्पेशल क्लासेस रहेंगे। 7 बजे के क्लास के होने के बाद में 8:30 बजे आपका जो स्पेशल बर्निंग सेशन होता है ड्रीम UPSC पे, वो रहेगा। उसके बाद में 10 बजे, 2 बजे, 5 बजे और 9 बजे, ये 4 क्लासेस के आपके टाइम हैं। इनको एक बार से देख लीजिएगा कि टॉपिक्स क्या हैं, मैंने शेयर कर दिए हैं, अभी 7 बजे के क्लास में भी बता देंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं सवालों की। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कयक हिति योंग पगोड़ा, ये कहाँ पर है। तो पहले तो समझो पगोड़ा क्या होते हैं। पगोड़ा का मतलब है जैसे कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज होती हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से होता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना ब्लैक पगोड़ा, अब ये ब्लैक पगोड़ा कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर आपको देखने को मिलता है, जो कोणार्क सन टेम्पल है उसको बोला जाता है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, म्यांमार के अंदर लोकेटेड है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर, आपको बताना है चोला इंस्क्रिप्शन के अंदर इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। देखिए सिंपल सी बात है, जब भी आप साउथ की डायनेस्टी पढ़ो तो कुछ ऐसे नाम आते हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। अगर आपने साउथ की डायनेस्टी अच्छे से पढ़ी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ी है तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दैट इज पली चंदम, क्या है ये, एक नाम है जो क्या कहता है, लैंड डोनेटेड टू द जन, मतलब ऐसे समझ लो कि किसी इंस्टीट्यूट को अगर कोई लैंड वगैरह डोनेट किया जाता है तो उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल, विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ सेक्रीफाइस परफॉर्म बाय द किंग इन द एंशियंट इंडिया टू एस्टैब्लिश देयर पोजिशन, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा एक रिचुअल होता है जो कि राजाओं के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोवेन देवलान। अब देखो पहले रिचुअल्स क्या होते थे, जैसे कि आप ऋग्वेद वगैरह पढ़ते होगे तो उसमें आपको काफ़ी सारे रिचुअल्स के बारे में जानने को मिलता है ना, बलि प्रथा भी वगैरह हुआ करती थी वेदों के समय पर, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगला सवाल, सवाल में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट बी एस ए स्पेशलिटी टू द फ्रेंच वॉर मेमोरियल, इसमें से कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे फ्रेंच वॉर मेमोरियल जो है ना, उसके कुछ आपको आप कह सकते हो उसकी तरीके से लगता है कि वो डिपिक्ट करता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया गेट। अब हम मुझे ये बता देना इंडिया गेट है कहाँ पे, अभी आधे बताएंगे मुंबई, आधे बताएंगे दिल्ली। अगला सवाल, डैश वॉज द होस्ट कंट्री ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप, आपको बताना है फीफा वर्ल्ड कप इसमें से कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, आंसर हो जाएगा उरुग्वे। और अगर 2018 पूछा जाएगा तो रशिया के अंदर हुआ था। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा 2022 तो कतर के अंदर यानी दोहा में होगा, और अगर लास्ट पूछा जाए 2026 जिसके बारे में भी पता है हम लोगों को, दैट इज़ USA, कनाडा एंड मैक्सिको। अगला सवाल, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जो कि लाइट बल्ब्स के अंदर होती है एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इनर्ट गैस, वो इनर्ट गैस होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्गन इज द करेक्ट आंसर। अगला, डैश वॉज एग्जीक्यूटेड एट लाहौर इन 1915 नवंबर, और यहाँ पर इनको जो एग्जीक्यूट किया गया था वो गदर पार्टी की जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी उस केस में किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करतार सिंह इज द राइट आंसर। आपको ध्यान होगा मैंने आपको एक जहाज के बारे में बताया था जो कि जहाज जापान का था, लेकिन वो वैंकूवर आइलैंड आता है, उसके बाद में उसको वापस भेज दिया जाता है कहाँ पर, इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल में, है ना। आप मुझे उस जहाज का नाम कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओगे। गदर पार्टी पूछी जाएगी, 1915 में इसको फॉर्म किया गया, सैन फ्रांसिस्को में इसका गठन किया जाता है। अगला सवाल, विजया बैंक और देना बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तीनों का क्या हुआ था, मर्जर हुआ था ना अभी कुछ टाइम पहले। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये कब मर्ज किए गए थे, तो 1 अप्रैल 2019 इज द राइट आंसर। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाय RK नारायण, कौन सी RK नारायण के द्वारा ऑथर्ड नहीं है, तो जंगल बुक इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। अगला,
As of January 2020 has a maximum number of the seat in the Rajya Sabha, आपको बताना है कौन सा स्टेट हो जाएगा. अरे भैया जब यूपी लिखा है तो कोई और स्टेट हो ही नहीं सकता. हज़ार बार बता चुके हैं कि लोकसभा 80 हो जाएगा और राज्यसभा 31 हो जाएगा. ठीक है, अगला क्रिश्चियन बर्नार्ड इज फेमस फॉर, इनका जो नाम है वो किस लिए जाना जाता है. तो इनका जो नाम है वो वर्ल्ड में फेमस है फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए. ठीक है, अगला नेम द स्टेट कैपिटल लोकेटेड 530 meters अबव द सी लेवल बिटवीन 93 east longitude एंड 27 north latitudes. अब आपको बताना है कि भैया ये कौन सी जगह हो जाएगी. तो ईटानगर इज द करेक्ट आंसर. ईटानगर पता है ना कहाँ पर है, किसकी कैपिटल है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है. अगला विंबलडन चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन, सबसे पहली बार. अच्छा विंबलडन से याद आया, अभी रिसेंटली फ्रेंच ओपन जो है ना इसको 2 हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है. होना था अभी बट वही है ना कोविड की वजह से सारी चीज़ें इधर से उधर हो रही हैं. विंबलडन भी पोस्टपोन किया गया था ना लास्ट टाइम, उसी तरीके से यहाँ पर इसको भी पोस्टपोन किया गया है इस बार. तो सबसे पहले कब हुआ था, 1877 में. अगला सवाल कंधमाल हल्दी जो है इसको हड्डी हल्दी इसको GI टैग मिला हुआ है. सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट में इसको GI टैग मिला है. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा. अगर आपसे इरोड हल्दी पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, तमिलनाडु बनेगा. अगला इन जनवरी 2020, देख रहे हो ये पेपर मार्च का है और जनवरी के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं तो फेब के भी क्वेश्चंस रहे होंगे. तो प्लीज़ चीज़ों को बहुत ही लाइटली मत लीजिए. ठीक है, चाइना टेस्टेज अ वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई स्पीड ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन बीजिंग से कहाँ पर. तो आंसर हो जाएगा चेंगजुआंग. कैसे नाम रखते हैं, जो नाम तो अच्छा रखा करो यार, काम अच्छे नहीं करते तो नाम ही अच्छे रख लिया करो. चलिए अच्छा, एक तो जिंगजियांग रीजन याद रहता है, दूसरा उइगर कम्युनिटी याद रहता है, तीसरा बीजिंग और शंघाई याद रहता है, इसके बाद चौथा तो कुछ याद ही नहीं रहता है ना. अगला सवाल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 16 जनवरी 2016 को विद द ऑब्जेक्टिव क्या, सपोर्ट करने के लिए किस चीज़ को, एंटरप्रेन्योर्स को. तो एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए क्या लॉन्च किया था, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत करी गई थी. स्नेल जो है वो कौन से फाइलम के अंदर आता है, मोलस्क के अंदर आता है, ये तो ईजी था. अगला सवाल कौन सा इसमें से बीच है जो आपको गोवा के अंदर देखने को मिलता है. देखिए बीचेस की बात आएगी तो ये ध्यान रखिएगा, बीचेस में रिसेंटली ब्लू फ्लैग टैग दिए गए थे जिसमें से ओडिशा में भी मिला था, गुजरात में भी मिला था, बट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे गोवा पूछा जा रहा है तो पॉलियम इज द राइट आंसर. अगला सवाल ह्यूमोफोबिया इज अ फियर ऑफ, किस चीज़ का डर होता है ये, तो ब्लड का होता है, ह्यूमोग्लोबिन, उससे यहाँ पे फोबिया कर लो. फोबिया का मतलब क्या है, डर लगना, सिंपल है. ठीक है, अगला मिशन इंद्रधनुष ये भारत सरकार का मिशन है, आपसे पूछा जा रहा है कि किस चीज़ से जुड़ा हुआ है. हज़ारों बार बता दिया है बेटा ये इम्यूनाइजेशन के बारे में बात करता है. अभी रिसेंटली 2.0 लॉन्च हुआ था, फिर 3.0 भी लॉन्च हो चुका है. तो तीनों ही याद रखिएगा कि इसका थर्ड वर्जन अभी लॉन्च किया गया. अगला क्रोकोडाइल हैव अ डैश चैम्बर ऑफ हार्ट, क्रोकोडाइल के कितने दिल होते हैं, मैम एक ही बहुत है, चार का क्या करेगा वो. तो इसके यहाँ पे 4-chambered हार्ट होता है. मैमल्स में भी आप देखेंगे तो 4-chambered हार्ट देखने को मिलता है. ठीक है, स्पाइस क्या है, सिनेमम इज नेटिव टू, सिनेमम समझते हो क्या होता है, कार्डमम देखा है ना, इलायची होता है, उसी तरीके से ये होता है, दालचीनी जिसे आप कहते हैं हिंदी में, है ना. आपको बताना है क्या होगा, श्रीलंका इज द राइट आंसर. अगला सवाल डैश वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज इन 1913 एंड नाइटहुड उनको दिया गया था 1915 में, कौन है ये व्यक्ति. तो आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया. अगला डैश आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसके लिए बात हो रही है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए. आपको बताना है इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 244. मेहरबानी करना, गलत मत करना, अभी 4 दिन पहले या 5 दिन पहले पढ़ाए थे आसाम के अंदर, इस वाले आर्टिकल को लेकर विवाद चल रहा है, तो इसमें नैया डुबो के मत आइएगा. अगर आप 7 बजे का क्लास कर रहे हो, सिंपली समझो अगर आप 7 बजे का क्लास शिद्दत से प्रॉपरली कर रहे हो, आई टेल यू आपको 10 क्लासेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप अपना फोकस बना के रखो. अब वही बात है ना कि होता क्या है, जैसे कि हम लोग भी जब पढ़ते थे ऑनलाइन तो हमारे टाइम पे इतना नहीं हुआ करता था, वी यूज़ टू टेक कोचिंग क्लासेस, नॉर्मल नोट्स आते थे मार्केट्स में, तो वो चीज़ें अभी भी होती हैं. तब हम लोग का भी यही होता था, अरे यार ये वाले नोट्स भी अच्छे हैं, अरे ये तो नितिन सिंघानिया का है भाई, ये तो बेस्ट होगा, भले ही वो इतने मोटी गड्डी क्यों ना. लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम अच्छी चीज़ नहीं पढ़ना चाह रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे को देख के उसके पीछे भाग रहे हैं. ये गलती मत करिए. अब ये देखो अभी 4 दिन पहले पढ़ाया था, क्या है, सिर्फ लैंग्वेजेज तो चेंज है, कहानी तो वही सेम है, वही एडमिनिस्ट्रेशन पूछा है, वही शेड्यूल कास्ट, वही शेड्यूल ट्राइब, क्या था, सिंपल आंसर करना था.
ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस करके चीज़ों को पढ़िए। चले तो ये तो कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके मार्च में पूछे गए थे, डेट के साथ में आपको बता दिया गया है। इसके अलावा आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, या आरू के लिए, लेखपाल के लिए, यूपीएसआई के क्रैश कोर्स के लिए, या सीटी के लिए, मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें जीएस, मैथ और इंग्लिश और रीजनिंग आती है, बेटा आपका नया बैच 28 तारीख से शुरू हो जाएगा और अभी आपको एक्सटेंशन मिल रहा है 2 महीने का। यानी कि अगर मान लीजिए आप 12 महीने के लिए बैच को लेते हैं 6,000 रुपीज़ में, तो इसमें आपको 2 मंथ और एक्स्ट्रा होके फ्री मिलेंगे। दैट मीन्स आपको 6,000 रुपये कितने महीने के लिए देना है, 14 महीने के लिए देना है। आप चाहो तो EMI के थ्रू दे दो, आप चाहो तो वन टाइम पेमेंट, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। कोड क्या रहेगा, प्रति 10। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, 7 बजे का जो वीडियो है ना, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगवा दिया, आप उसके डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर सकते हो बैच को। ध्यान रखना समय से ज्वाइन कर लेना, सो दैट कोई भी दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो आपका ये कॉम्बैक चल रहा है, प्लीज़ इसको ज्वाइन करना मत भूलना, कल रहेगा, लिंक टेलीग्राम पे आ जाएगा, करंट अफेयर्स बाय प्रति, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चले मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे, बी लाइव इन द सेशन, क्योंकि आई ऑल्सो नीड अ मोटिवेशन यार, तुम लोग जब लाइव नहीं आते हो ना तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक। चले मिलते हैं, टिल देन बाय, टेक केयर।